गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? और बच्चों, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है? अगर नहीं की है तो ऑफिस से आकर कॉपी किताब लेकर जाइए, और जैसा मैंने और बच्चों को करवा चुकी हूँ वैसे ही आप भी स्टार्ट कीजिए। और जैसा कि मैंने आपकी किताब स्वर उत्सव हिंदी की लगाई थी और उसमें आपको स्टेशनरी में कॉपियाँ भी मिली हैं, आप मेरी क्लास वर्क की कॉपी में टाइम टू टाइम काम करते रहिए। और उसके सबसे जैसे फर्स्ट आपने वीडियो देखी उसमें डेट डालिए, फिर नेक्स्ट सेकंड वीडियो कर देखते हैं उसमें दूसरे पेज पे काम कर दूसरे पेज में काम कर उस पर डेट डालिए। इसलिए मेरे काम को आप बच्चों, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन पेज टू पेज जाऊँगी और आपको हर एक चीज़ सीक्वेंस से बताऊँगी, तो आपको उसी हिसाब से अपने पेपर पर हर दिन उस काम को करते रहना है। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मात्रा ज्ञान सिखाया, उसमें मैंने आपको अ से रि तक की मात्रा सिखाई थी। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ। अ, जिसमें आपको पता है बच्चों आपकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसको हम जो भी वर्ण होता है वर्ण के अनुसार ही लिख देते हैं। आ यानी कि एक लाइन, जिसको हम किस तरह लिखेंगे बच्चों, किसी वर्ण को हमने कोई भी वर्ण हो सकता है, का के अलावा ख ग वर्ण कोई भी लिखिए, मात्रा ये लाइन में लग जाएगी। तो उसे हम कैसे पढ़ना मैंने सिखाया, का जैसे मैंने बताया छोटी ई, उसे किस तरह बोलते हैं, ई जो कि वर्ण के आगे लगती है, की ये भी वर्ण के की जो लाइन है पीछे की तरफ रहेगी। री तो जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, मैंने एक बार फिर उसे रिवीजन करवाया है। एक मात्रा है जो कि ऊपर से लगेगी, से कैसे साउंड करती है ये, के जिस तरीके से ए पे एक मात्रा और आई पे दो मात्रा। हाँ, जैसे बच्चों मैंने पहली वीडियो में आपको बताया जिस तरह से इन वर्णों को हम बोलते हैं, ए ऐ ओ औ अं आहा,
बोलने का वही तरीका होगा जैसे मात्रा है। अच्छा, आज मैं आपको नेक्स्ट इससे शब्द कैसे बनेगा वो बताती हूँ। तो के अगर इसमें हमने वर्ण लगा दिया ला, तो क्या बन गया बच्चों, के ला। उसी तरीके से कर ला शु, तो बच्चों कर ला शु, कर ला शु। को ओ य ला, को य ल। तो बच्चों हमने इन वर्णों को बोला वैसे औ औ औ, तो क आपके नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो टिल देन बाय।